यार वो टेंट पे भाई, टेंट में नहीं फाड़ देगा यार मेरे भाई। यार टेंट में नहीं कुछ फाड़ देगा, टेंट में शोर मत मचाओ भाई, टेंट में कुछ नहीं करना। रोने क्या बात आ गई गुप्ता जी, सुनो भाई टेंट भाई मुझे पीछे रखने यार। अच्छा जी मुझे नहीं, अरे इधर सो जाओ भाई। नहीं 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 भाई, भाई नहीं भाई, नहीं भाई टेंट की गरमरा बीच में, बीच में भाई भाई उधर लेपट है यार। अरे गुप्ता जी यार, तो यार तड़ रहे हो यार। यार भाई मैं यहां मरने थोड़ा आया हूं यार, तो मरने नहीं आया। अरे ना भाई, मैंने मेरे को नहीं करनी कैंपिंग वैंपिंग यार, हटाए से यार सबको यार। अरे कहां फंसा दिया यार फौजी भाई तुमने, खोले से टेंट को यार, मेरे को जाने दो यार। बाहर नहीं जा सकते भाई रात को भाई, जाने दे यार, मैं मर जाऊंगा टेंट में यार। टेंट पे हमला कर रहा है यार वो। क्या मस्त लग रहा है अपना पनीर टिक्का देखने में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कैंपिंग व्लॉग में। तो गाइस देखिए मेरे साथ फिर से वही चेहरा गुप्ता जी, और आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं गाइस डेंजर फॉरेस्ट में कैंपिंग करने। और गाइस था कितने बहुत हाइट पे सांस चढ़ रहा है। ये देखिए कहां से ट्रैक करके आ रहा है गाइस, वहां नीचे से ट्रैक करके आ रहे हैं, और अभी हमको वहां सामने गाइस ऊपर जाना है। और लोकेशन तो गाइस डेंजर है ये देखिए, थोड़ी देर में बस अंधेरा होने वाला है, सामने सनसेट हो चुका है। बस जल्दी से लकड़ी कलेक्ट करेंगे, आने के बाद सीधा टेंट लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से लकड़ी देने जाएंगे। चलो गुप्ता जी बिल्कुल भाई, देर नहीं करते पहुँचो जल्दी। तो गाइस मैंने परचेस किया है कि फ्लैश लाइट, ये सियान स्काई कंपनी की P25। तो गाइस जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए ये आई है इस बॉक्स में, बॉक्स को ओपन करते हैं गाइस। ये है अपनी फ्लैश लाइट गाइस, मैंने ये रेड कलर की मंगाई है, आप इसमें ब्लैक कलर भी मंगा सकते हैं, ऑलिव ग्रीन भी मंगा सकते हैं, तीन कलर है इसमें गाइस। इसके साथ में आया है एक ये फीता, आप इसको यहाँ पे डाल के हाथ में कैरी कर सकते हैं। एक साथ में आया है इसके ये क्लिप, क्लिप को आप ऐसे लगा के इसको अपनी जेब में भी अटैच कर सकते हैं। और गाइस इसके साथ में आया है एक ये कवर, कवर मुझे इसका सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि आप इसको कवर में गाइस ऐसे लगा के और आराम से यहाँ पे बेल्ट में कैरी कर सकते हैं। और गाइस इसके साथ में आया है दो बाल और एक बटन, क्योंकि अगर इसका ये बटन खराब हो जाता है तो आप इसको भी डाल सकते हैं। कंपनी ने बहुत सोच समझ के इसके साथ में सारी चीजें दी है गाइस, चार्जिंग केबल और एक है ये सियान स्काई कंपनी का डिटेचेबल लोगो। और गाइस इसकी बैटरी की बात करें, इसके अंदर 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी है, तो बैकअप तो बेस्ट होगा ही होगा। और गाइस इसकी रेंज की बात करें, काफी लंबी दूरी तक मारती है। और गाइस इसकी जो लाइट है रोशनी, देखिए मैंने साइड में चला रखा है, रात में बिल्कुल दिन जैसा कर रही है। और अगर आपको गाइस ये फ्लैश लाइट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। फुल मेटल की बॉडी है और ये गाइस वाटर प्रूफ भी है। तो चलिए गाइस अब इसकी करते हैं वाटर टेस्टिंग। ये देखिए गाइस पानी के अंदर डाल दी है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे निकालिए और ये देखिए पानी भी निकल रहा है। और गाइस सबसे बड़ी चीज इसके अंदर SOS भी है, ये देखिए, और काफी सारे मोड है, SOS में भी बिलिंग करती है। और देखिए लो हाई बीम, तीन चार ऑप्शन है गाइस। तो मैंने आपको वाटर टेस्टिंग करके भी दिखा दिया गाइस, देखिए जल रही है, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी की फ्लैश लाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके आप खरीदिए। फटाफट पीछे कर लो, बहुत लेट हो गया है। तो गाइस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, बहुत जल्दी से अपना टेंट को पिच करते हैं, उसके बाद आपको लोकेशन दिखाएंगे और बॉनफायर के लिए लकड़ी का भी इंतजाम करना है। अरे रात हो गई तो गुप्ता जी डरना क्या। अरे मेरे भाई आप हो तो मुझे पता है डर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने टेंट पीछे हो जाएगा ना, तो हमें भी है ना, अंधेरा हो चुका है और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि मैंने हाथ में फ्लैश लाइट इसीलिए ले लिए, पता नहीं किस टाइम कहाँ से क्या आ जाए।
ऐसी लोकेशन पे गुप्ता जी जल्दी टेंट लगाओ और जल्दी ही अपना डिनर बनाओ। कहाँ फंस गई? कहीं नहीं, चलो फटाफट से टेंट को पिच करते हैं, उसके बाद एक मिनट का काम है यार, आसपास के इलाके को एक बार देखेंगे कि लोकेशन, क्योंकि अभी अंदाज़ा नहीं है इस लोकेशन का, क्योंकि यहाँ अपनी पहली बार टेंट मिल रही है जरा तो। बस लग गया कुत्ते भी बिल्कुल भाई, चलो तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं टेंट पिच हो चुका है, अब बस थोड़ी देर में अपना कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम बनाने वाले हैं ना वो हम डिनर में बनाने वाले हैं, पनीर टिक्का। वाव वाव, और वो भी क्रीमी वाला। वाव वाव, मजा आएगा गाइस, ऐसी खतरनाक लोकेशन पे और पनीर टिक्का खाना, डर के साथ साथ जीत है। अच्छा भी लगता है, डर के साथ साथ अच्छा भी लगता है, नहीं डर के साथ साथ स्वाद है। और गाइस आपको आवाज आई होगी पटाखे पटकने शुरू हो गए, क्योंकि ये जो इलाका है इस पे हम पहली बार कैंपिंग करने के लिए आए, डर बहुत ज्यादा है। अब सीधा यहाँ से बॉनफायर के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं, और एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि फुल अंधेरा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, सामने सनसेट हुआ, काफ़ी देर हो चुकी है, और टाइम की बात करें गाइस टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, केवल 6:30 बजे हैं। तो चलिए जल्दी से गुप्ता जी पहले बॉनफायर के लिए लकड़ी लेके आते हैं। चलो तो गाइस कुकिंग का सेटअप जमा लिया है, और देखिए पीछे हमने अपने टेंट पर RGB लाइट लगा दी है, जिसको लड़ी बोलते हैं झल्लर। और गाइस एक नंबर मस्त व्यू आ रहा है देखने पर टेंट पर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और एक लाइट हमने उधर लगा दी है, अपनी बोन फायर जल रही है, और बारबेक्यू के लिए कोयला भी थोड़ी देर में जलाएंगे। उससे पहले हम कर लेते हैं अपना पनीर टिक्का बनाने की प्रिपरेशन, उसके लिए पहले वेजिटेबल काटते हैं। लो गुप्ता जी, हाँ जी, तुम इनके ना चाचा पीस कर दो, हाँ इनके वो क्यूब निकाल दो। ओके, चाकू उठाओ, इनका क्यूब निकालो। और गाइस पनीर टिक्का बनाने में टाइम काफ़ी लगता है, और लेपटकाने में टाइम नहीं लगता, लेपटकाने में टाइम नहीं लगता। सही कह रहे हैं गुप्ता जी, ये बात तो गुप्ता जी तुम्हें पता ही चल गई होगी। इसलिए जब मैंने कैंपिंग शुरू करी थी ना, मैं फौजी भाई की बातों को ना थोड़ा सा ना ऐसे ही समझता था मजाक में, तब मुझे मतलब अरे यार क्या है फॉरेस्ट, क्या है लेपट, देखेंगे आए। और जब पता चला, जब 2-3 बार साउंड सुन लिया ना, तो मेरी समझ लो कि पैंट, कहते हैं ना कि एक कहावत है, पीछे से पीली और आगे से गीली हो गई थी। तो गाइस सबसे मैं ज्यादा मजाकबाजी नहीं करता लेपर्ड को लेके, और जिसे यकीन ना हो ना खुला चैलेंज है, इंस्टाग्राम पे पहुंचो भाई, मत मानना इनकी बात, मत मानना, इंस्टाग्राम पे मत जाना, DM मत करना, फंस जाओगे। इतना मतलब भयानक मंजर होता है ना जंगल के अंदर, मतलब ये वही कर सकता है जो रेगुलर कैंपर है, मतलब टाइम पास वाला, और एक आधे दिन के लिए जो कैंपिंग कर रहा है ना वो प्लीज ना करे इस चीज को, हार्ट अटैक का बहुत खतरा रहता है। सही बात है, मतलब कभी कभी तो हमें भी लगता है हमारा दिल ऐसे धड़क रहा होता, धक 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 धक, कसम से फौजी भाई, बस खतरा तो है भाई गुप्ता जी। 6 लोग थे ना, 5-6 लोग थे, फिर भी भाई साहब लेपर्ड सामने से आ गया, मतलब उसको इतना भी डर नहीं लगा कि 6-6 शेर सामने खड़े हैं और तू अकेला तेंदुआ हमारे से भिड़ेगा। निकाल लो गाइस गुप्ता जी, क्यों निकाल लो, बस गाइस इसमें डाल दूं? हाँ उसमें डालते रहो, खतरा बहुत है लेकिन हिम्मत करते हैं, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि यहाँ नहीं रुकना चाहिए हम वहाँ नहीं रुकते। हमारा एक काम है, हम सेफ बहुत इसलिए रहते हैं क्योंकि हम चौकन्ने रहते हैं, हम लापरवाही नहीं बरतते एक मिनट की भी। अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और अगर जगते रहेंगे, चादर पर ध्यान रखेंगे, तो लेपर्ड कभी अटैक नहीं कर सकता, क्यों गुप्ता जी? बिल्कुल बिल्कुल, लेपर्ड तभी अटैक करेगा जब आप अनअलर्ट हो जाओगे, शांति से बैठ जाओगे, कोई शोर नहीं करोगे, कोई बात, हम क्यों वो घात लगा के हमला करता है, हम वीडियो में इतना क्यों बोलते रहते हैं, क्योंकि अगर हमारी आवाज थोड़ी, क्योंकि डीप फॉरेस्ट में थोड़ी आवाज दूर तक जाती है,
तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे आदमी है, यहाँ में नहीं जाना। बस ये क्योंकि वो जो आता है ना लेपर्ड, वो छोटे जानवर का शिकार के लिए आता है, वो आदमी के शिकार के लिए आता कभी भी। आदमी में भी अगर अटैक करेगा तो वो घात लगा के करता है बिल्कुल पास आके, वो हमें नहीं ध्यान रखना है कि वो हमारे पास तक ना पहुंच पाए। वो तो बस आदमी पर गलती से अटैक करता है, जान के नहीं करता कभी भी। तो देखिए शिमला मिर्च और टमाटर अपने कट चुके हैं, बस प्याज की क्यूब निकाल लेते हैं। गाइस देखिए अपना पनीर भी कट चुका है, अब बस इसको हम मैरिनेट करते हैं। तो गाइस अब कर लेते हैं मैरिनेशन। उसके लिए पहले सबसे पहले डालते हैं उसका दही। डालना है तुम्हें? हाँ दही डालो, आज के शेफ तो आप ही हो। तो दोस्तों जो फौजी भाई बना रहे हैं पनीर टिक्का, ये मेरी कैंपिंग और इनकी कैंपिंग के दौरान ये थर्ड टाइम है। हाँ है ना, ये तीसरी बार है। बनता इतना बढ़िया है कि बार बार मन करता है। बनाते इतना टेस्टी है कि आप डेली खाओगे ना तो भी बोर नहीं होगे, इतना अच्छा बना देते हैं यार ये। ठीक है नमक? हाँ आप कर लेते हैं नमक। ओके थोड़ा चटपटा रखना। चटपटा रहेगा पक्का, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा मसाला फोकस दिखा देना, फोकस। ये गया हल्दी पाउडर, कलर तो इससे ही आएगा ना। मिर्च भी रखो ना थोड़ा हल्का। हाँ मिर्च रखो मालिक, हल्का रखना है। ये तेजा नहीं मिर्ची है ना, तेजा नहीं, नहीं सच में ये तेजा मिर्ची है। तेजा मिर्ची, तेजा मिर्ची बोलते हैं उसको भाई, ब्रांड है ये तेजा मिर्ची बोलते हैं। लाइट मारते रहो पास में गुप्ता जी। और अब डाल लेते हैं गाइस इसमें। अब लाइट मारने की बात कर रहे हो, मेरे को तो बस पनीर टिक्का दिख रहा है फिलहाल। अरारोट, इससे जो है दही अच्छे से पनीर और सब्जी पे सारी जो मैरिनेशन कर रहे हैं मसाले दही वो सब चिपक जाएगी। ओके तो गाइस आप भी सीखते रहना हल्का सा इसमें, कभी कैंपिंग करनी हो ना तो आपके भी काम आएगा। और हल्का सा इसमें आप डाल लेते हैं गुप्ता जी हम ऑयल, ये ले जी। ओके मसाला अपना ऐड हो चुका है, अब इसको करते हैं मैरिनेट। ओके लेपर्ड के इलाके में, इलाके में हम कर रहे हैं पनीर टिक्का। अगर वो आ गया पनीर टिक्का खाने गाइस, यहाँ बैठा लेंगे उसे अपनी साथ में। टॉर्च मारते रहो इधर की तरफ, अंधेरा हो रहा है। वही आ जाए अरे आ जाएगा तो हमारा फ्रेंड बन चुका है यार। अब तो थोड़ा सा जब से फौजी भाई आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी ना कि लेपर्ड से कैसे बचा जाए और वो सब, यू नो यस यस, तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई। पहले तो पता ही नहीं था कि अगर लेपर्ड आए तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो फौजी भाई ने कुछ टिप्स दी हमें क्योंकि थोड़ा सा टच में रहते हैं फॉरेस्ट के और काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो इनसे हमें काफ़ी सीखने को मिल रहा है। खाना भी बनाना, कैंपिंग करना भी और जंगल में घूमना भी। दोस्तों गाइस अब पनीर टिक्के को सीख में लगा लेते हैं। और गुप्ता जी इतना तुम ना इसको गन देना, फ्लेम गन। हाँ फ्लेम गन उधर रखी है वो, और क्या कहते हैं कोयले को जलाओ। ये रही पास में है, कहाँ जा रहे हो ना? अरे मैं पीछे जा रहा था यार। ऐसा अकेले पीछे मत जाओ भाई, तुम्हें कुछ हो गया गुप्ता जी तो तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? अपनी जिम्मेदारी पे लेके आते हूँ, जिसको भी साथ में लेके आता हूँ, क्योंकि भाई जिसको साथ, जिसकी साथ में हम आ रहे हैं, चाहे आप हो या कोई भी हो, आपको कुछ हो जाए तो मुझे जवाब देना है, मुझे कुछ हो जाए तो आपको जवाब देना है। देना है नहीं देना? बिल्कुल। और हम थोड़ा सा कोयले भी जला लेते हैं। ओहो हो, इसको तिरछी करोगे ना उतना ही होगा। इस पे रख दो ना सीख को, साइड में रख देते हैं, एक साइड से जला लो है ना। हाँ क्या है वो, कम चलाओ ना इसको, कम चला रहा, बंद हो रही है ना। पनीर को लगा रहे हैं और मैं यहाँ से फ्लेम गन से कोयले को फायर कर रहा हूँ ताकि जल्दी से हमारा पनीर टिक्का बन जाए, क्योंकि
भाई देखो सीधी बात बताऊँ, लेपर्ड की आवाज़ तो आ रही है, वो कैमरे में कैच नहीं हो रही और हमें भी थोड़ी दूर से आ रही है, तो इसलिए हम भी बेफिक्र होकर थोड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ वो पास से आई ना, तो ये समझ लेना कि ना तो पनीर टिक्का बन पाएगा ना पिक्का बन पाएगा। सही बात है, फिर तो बस भागना ही पड़ेगा टेंट के अंदर। और जितनी ज़्यादा आग हमारे पास गैस जलेगी उतना हमें खतरा कम रहेगा। गुप्ता जी आप कोयले को जलाइए, और आग भी हमारी थोड़ी अब हल्की हो गई, उसको भी तेज कर लेना। इसको इधर रखते हैं, सीख में लगाना। देखिए इधर अपना पनीर टिक्का बारबेक्यू हो रहा है, और एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए लोकेशन गाइस, बार बार देखनी पड़ रही है क्योंकि पता नहीं कहाँ से कब लेपर्ड अपने पर अटैक कर दे। लाइटें लगा रखे गाइस, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट वहाँ काफ़ी दूर लगा रखी है, जिससे पूरे में यहाँ तक दूर तक हमें दिखता रहे, क्योंकि गाइस खतरा बहुत ज़्यादा है यार, रिस्क नहीं ले सकते हल्का सा भी। और गुप्ता जी हवा कर रहे हैं, कोयले जला रहे हैं, मेरी ड्यूटी है भाई। तो गाइस बस पनीर टिक्का बनते ही अपना खाएंगे। ओफ ये देखिए आग बॉन फायर किधर चली गई अपनी, ये अपना भी गई है। हाँ ये ऊपर इस पर आ गई ना, ये जली आई ना लकड़ी ना, इनको जला ही देते हैं, अच्छे से जला देते हैं बॉन फायर को गाइस। हाँ देख रहा हूँ भाई, देखना तो पड़ेगा पीछे आके सब जगह, बहुत ज़्यादा खतरा है गाइस, क्योंकि अगर यहाँ लापरवाही बरती लेपर्ड किसी भी टाइम अटैक कर सकता है। और ये गाइस कोई फेक जंगल नहीं है, आप लोग कहते हैं कि फेक जंगल डीप फॉरेस्ट, और ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, मुझे ये आप लोग ही कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं। इसको डीप फॉरेस्ट नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं इसको, ये बताइए। बोलते हो कि पता नहीं घर के पास में कैंपिंग करते हो, ये घर का पास है, कहाँ पर है यहाँ पे घर। कोई नहीं गाइस, बस चलिए कुछ अच्छे भी कमेंट करते हैं और कुछ लोग बेकार भी करते हैं, दोनों के लिए मैं तो थैंक यू कहूँगा कि आप लोग हमें देखते हैं और अपना प्यार देते हैं। हवा लगाते रहो इसमें गुप्ता जी, मक्खन और कर लो थोड़ा गरम। हाँ थोड़ा कर लो यार, पटाखे पटक रहे हैं लेपर्ड है पास में कहीं ना कहीं। इस पे हवा मारते रहो भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, भयंकर मक्खन लगे से ना, खुशबू एक नंबर। दोस्तों ये देखो पनीर टिक्का गरम गरम, धुआं आ रहा है यार इसका भी, क्या मस्त लग रहा है अपना पनीर टिक्का देखने में। भाई क्या करो, बहुत अच्छी तेज आवाज आई थी भाई, लेपर्ड पास नहीं है, बहुत तेज आवाज थी। इसको आपको तेज कर दूंगा थोड़ी सी, हाँ तेज करो तेज करो, ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो। ये तो मामला खराब हो गया, ये तो मामला खराब हो गया भाई, इसमें लगा दो थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, बस 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 आग जलेगी ना तो इतना टेंशन नहीं होगा, तो मेरे को लग रहा है पास इसलिए नहीं है आग की वजह से, है ना, बहुत जरूरी है। और वो ये जो पनीर टिक्की की खुशबू है ना, इसकी वजह से ही आया होगा वो, तुम देखो यार, देखो मैं इसको पलट दूं यार जल जाएगा, नहीं तो ये भी अकेले में जाओ, अकेले में जाओ, मैं जिस पर आने की यार।
वो ऐसी चीज है ना भाई, भाई भाई वो दिखेगा भी नहीं हमें, होगा हमारे आसपास ही, पेड़ पे तो नहीं, पेड़ पे पेड़ पे पेड़ पे तो हमारे पेड़ पे चिढ़ जाता है वो, पेड़ पे तो नहीं है। मतलब ऐसे घुमाने के लिए लेपर्ड पास नहीं है भाई, इसे पलटो जल्दी, पर ये टिक के पलट, वही मैं कह रहा हूं तुम नजर आने जैसे मैं पलटता हूं भाई, इस वाले को बीच वाले को देखो, निगरानी क्या भाई पास नहीं है, 101% पास नहीं है, दूर आवाज ही नहीं थी, आवाज पास में थी गुप्ता जी, टाइम भी तो ज्यादा ना हुआ अभी, लो 9:19 हुए हैं गाइस अभी, तो दोस्तों अभी 9:30 भी नहीं हुए। एक्चुअली जो हमने अभी मक्खन लगाया ना इस पे, अरे फौजी भाई मक्खन लगाया, इसकी खुशबू देखो, ये देखो गाइस, ये धुआं इस साइड जा रहा है, देखिए फूल का आया, तो धुआं जो है इस साइड जा रहा है गाइस, और इसी वजह से वहाँ खुशबू दूर तक जा रही है हमारे इसकी बारबेक्यू की, तो शायद इसी वजह से लेपर्ड आया होगा, आग बहुत तेज जल गई है, अब हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है आप भी बैठ जाओ, इसे ध्यान है भाई, ये सुनो सुनो पीछे ध्यान रखो, हाँ हो गया ये, बस अभी से वो करो वो पर इसे जल्दी खाते हैं, ये वाले तो हो गया, वो बीच वाला रह गया, चलो बस खाते हैं जल्दी से, बस गाइस अब अपना पनीर टिक्का रेडी कर लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं चाट मसाला, चाट मसाला कैसे डालूं गुप्ता जी, तेज डालो यार, नींबू डाल लिया मैंने, आधा नींबू बहुत है ना क्योंकि ठंड का मौसम है, ज्यादा नींबू गला पकड़ लेगा, नींबू से ज्यादा खट्टा हो जाता है, फिर वो मक्खन भी डाल लिया, अब डाल लेते हैं क्रीम, मजा आ जाएगा, कैंपिंग के दौरान इतने सारे आइटम से पनीर टिक्का बनाना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम घर में बैठ के, घर में भी क्या मतलब होटल में बैठ के कोई बनाता है ना, सब चीज़ चाट मसाला नींबू और क्रीम और क्या क्या डाला इसमें, मक्खन मक्खन, हाँ गाइस बस पूछिए मतलब कितना मस्त लग रहा है देखने में, देखिए अपना पनीर टिक्का बस सब कुछ कर दिया है, अब बस इसको खाते हैं और अब अपना यहाँ नहीं पड़ेगा, टेंट में चलेंगे, ये आवाज़ बार बार सता रही है हमें क्योंकि लेपर्ड की आवाज़ बार बार, लेपर्ड अपनी प्रेजेंस दिखा चुका है मैं अभी कि वो यहाँ पर है, तो गाइस हम उससे ज़्यादा बैर मोल नहीं लेंगे, अपना खाते हैं और फटाफट, तो गाइस अब अपना डिनर कर लेते हैं, और देखिए बर्तन का सेट लाना भूल गए हैं, उसमें हमारी चम्मच भी रह गई है, दांतों वाली जो सीखो वाली, क्या फर्क पड़ता है बर्तन भूल गए दोस्तों, खाना जब इतना लाजवाब हो, कैंपिंग है, अब आप जानते हैं कि कैंपिंग में आप कंफर्ट तो ढूंढ ही नहीं सकते, देखिए कितना मस्त बनाया, मैं तो चाकू से ही खा रहा हूँ, यम्मी एक नंबर लाजवाब गाइस, यम्मी के साथ साथ क्रीमी हो रहा पूरा, क्योंकि मक्खन और क्रीम डाली है, लेकिन गाइस खतरा बहुत ज्यादा है, लेपर्ड की बार बार पीछे से आवाजें आ रही है, सामने से भी आ रही है कुछ जानवरों की, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, हम भी नहीं कंफ्यूज हो गए हैं, देखे फिर आई, पता नहीं चल पा रहा कि किस चीज की आवाज है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले थी वो पक्का लेपर्ड की थी, वो तो लेपर्ड की थी, हाँ। अपना जल्दी से डिनर को फिनिश करते हैं, तो गाइस टेंट के अंदर आ चुके हैं, बस गुप्ता जी भी अपने जूते निकाल रहे हैं, गुप्ता जी बस टेंट बंद करो जल्दी और अपना अब आराम से सोते हैं, जल्दी तो मुझे डर है, हाँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है गाइस, आ जाओ करो बंद टेंट को, अब अपना आराम से लेटते हैं और नींद निकालते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी करके अपना डिनर टेंट के अंदर आ चुके हैं, और गाइस टाइम की बात करें ये देखिए 9:48 हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी है, 10 बजने वाले हैं, बस अब अपना आराम से होते हैं, ठीक है गुप्ता जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, सोए अब, हाँ आप सो, मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, ओके, तो गाइस इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं हम, अगर आपको भी हमसे जुड़ना है तो आप क्रेजी फौजी मलिक मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं, अब लाइट बंद कर दो, तो चलिए गाइस अब अपना आराम से सोते हैं, गुड नाइट। कुल्हाड़ी उठाओ, कुल्हाड़ी उठाओ, मेरी कुल्हाड़ी उठाओ, पीछे था मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे चल रहा हूँ, देखो भारी गुर्रा रहा है तू, हट हट हट, ये तो भारी है,
मुझे पास में चलने के बाद क्या गुप्ता जी है? टेंट पे हमला कर रहा है। क्या आयो? क्या आयो भाई? जो टेंट पे हमला कर रहा है बीच में करो, बीच में घूम, बीच में घूम, बीच में रहो, टेंट में आके बचाओ भाई। मुझे क्या अपने पीछे रखने यार तो जी, मुझे नहीं। अरे इधर से हो जाओ भाई। नहीं 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 भाई, भाई भाई ऐसे क्या चलेगा काम? नहीं भाई, नहीं भाई, टेंट इधर भरो, बीच में रहो, बीच में। भाई भाई उधर लेपड़ है यार। अरे गुप्ता जी यार, तो यार तड़ रहे हो यार। यार भाई मैं यहां मरने थोड़ा आया हूं यार। तो मरने नहीं आया ना भाई, मैंने मेरे को नहीं करनी कैंपिंग वैम्पिंग यार। हटाए से यार सबको यार। अरे कहां फंसा दिया यार फौजी भाई तुमने? खोले से टेंट को यार, मेरे को जाने दो यार। बाहर नहीं जा सकते भाई, रात को भाई जाने दे यार, मैं मर जाऊंगा टेंट में यार। टेंट पे हमला कर रहा है यार वो। अरे गुप्ता जी बाहर हमला कर देगा, समझ रहे हो यार? बाकी तुम यार, टेंट में कुछ नहीं करना है। रोने क्या बात आ गई गुप्ता जी टेंट? यार तुम डर रहा है यार गुप्ता, मैं हूं ना, मैं कह रहा हूँ ना टेंट टेंट में नहीं करने का। वो यार टेंट थोड़ी ना फाड़ देगा, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते हम पे हमला कर देगा यार। तुम तो यार गुप्ता जी ऐसे कर रहे हैं यार भाई। यार मेरी जिम्मेदारी में लेकर तुम बीच में बैठो ना, टेंट में नहीं फाड़ने का ना। हम सो रहे थे, वो इसलिए कर रहा था यार। हम लोग अब उठ गए, वो हमारी आवाज सुनी भाग गया होगा पक्का गुप्ता जी। तुम यार भाई यार तुम तो यार ज्यादा वो हो गया। चलो तुम एक काम करो, लेटो, मैं जाग रहा हूँ, तुम लेटो। अरे नहीं भाई तुम भी सो जाओगे यार। नहीं नहीं सोने का, मैं मुझे कुल्हाड़ी दो, मैं बैठता हूँ। चलो तुम लेटो आराम से, चलो मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाएगा यार वो फिर भाई। नहीं टेंट के अंदर हमला नहीं करना है गुप्ता जी, अपने पास सब कुछ हथियार है भाई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बाहर निकलती वो अटैक कर देगा, तुम जो बाहर भाग रहे थे यार। तुम तो यार पैनिक हो जाते हो गुप्ता जी यार। भाई यार एक बात बताओ, लेपर्ड है पीछे है वो, मैं अब तुम यार मुझे ऐसे टेंट इधर रहो, मुझे ऐसे बोल रहे यार, हद करते हो यार। कुरा रहा है पीछे, टेंशन मत लो, टेंट के अंदर कुछ नहीं होने का, मैं कह रहा हूं ना। हमने शोर मचा दिया, हम बोल गए, अब नहीं करने का हमला गुप्ता जी। अगर बाहर निकल गए ना, यही दबोच लेगा टेंट से बाहर निकलते ही। एक काम करो लेटो आराम से, तुम सो, टेंशन मत लो, किसी चीज की टेंशन नहीं, तुम लेटो, मैं बैठा हूँ, मैं कुल्हाड़ी लेकर मैं सोने का नहीं, मैं बैठा हूँ। और बताओ गाइस, गुप्ता जी ज्यादा घबरा गए क्योंकि टाइम, घबराना गाइस बनता भी, ढाई बज रहा है, किसी को नींद में से उठाया और बाहर लेपर्ड इतना ज्यादा तेज घूर रहा है और टेंट को, उसने टेंट पे भी अटैक किया। अब मैं गुप्ता जी बाहर भाग रहे थे, मैंने इन्हें रोका कि बाहर जाने में कोई फायदा नहीं है, बाहर जैसे ही निकलेंगे तुरंत अटैक कर देगा। अगर वो आदमखोर लेपर्ड होगा पक्का, क्योंकि टेंट पे हमला कर रहा है तो पक्का आदमखोर है। तुम आराम से लेटो गुप्ता जी, सो जाओ, मैं बैठा हूँ। तो गाइस मैं बैठ के काफ़ी देर तक कोशिश करता हूँ जगने की, अभी 2 बजे हैं, 2-3 घंटे जग के इतना दिन निकल जाएगा क्योंकि गुप्ता जी ज़्यादा घबरा गए हैं। चलिए तो गाइस मैं आराम से अपना बैठता हूँ और सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स। चुकी है और रात का आपको पता ही है कि रात कितनी भयंकर गुजरी है। 2 बजे से कंटिन्यू जाग रहा हूँ। गुप्ता जी सो गए थे क्योंकि गुप्ता जी इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे गाइस, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, गुप्ता जी बाहर भाग रहे थे टेंट से, लेकिन इन्हें समझाया तब जाकर गुप्ता जी सोए। गुप्ता जी उठ जाओ, बस अब सुबह हो चुकी है भाई, अब कोई खतरा नहीं है। चलिए गाइस उठते हैं और आपको मॉर्निंग का नज़ारा दिखाते हैं, जितना देखने में खूबसूरत दिन में है काश रात को भी उतना होता। चलो गुप्ता जी, हाँ मॉर्निंग हो गई भाई, मॉर्निंग हो गई, टाइम सनराइज हो चुका है। पहले बाहर देखिए यार तुम एक बार, कुछ है तो नहीं भाई? कुछ नहीं है, आप सुबह सुबह कुछ नहीं, टाइम से बदलो आ जाओ, लेकिन ठंड भयंकर है। तो फ्रेंड्स अब आपको दिखाता हूँ मैं दिन की लोकेशन, देखिए ये देखिए गाइस, खतरा इधर से था और पीछे की साइड था गाइस। टेंट जो हमारा हिला था वो इधर की साइड से हिला था, पीछे से, यहाँ से पीछे से हिला था।
कोई नहीं गाइस, अपने लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं और पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस कॉफ़ी पी ली है, बस ज़्यादा यहाँ ब्रेकफास्ट में कुछ बनाएंगे नहीं, बल्कि हम ब्रेड ब्रेड साथ में लेके आए थे कि सैंडविच बनाएंगे, लेकिन गाइस पूरी रात जगे हैं, अब हिम्मत नहीं है, बस अब यहाँ से अपना बैग पैक करते हैं, निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और वही गाइस हर बार बोलना पड़ता है आप लोगों को, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ठोक दो, और मिलते हैं ऐसे ही नए एडवेंचर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।